एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर चैनल आशीर्वाद ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सोच रहे हो कि इस टाइम मैं नहाई हूँ। नहाई तो मैं सुबह थी मॉर्निंग में, बट सर्दियों में मोस्टली सर्दियों में ही मैं अपना जो बाल हैं वो दिन में वॉश करती हूँ, सुबह सुबह नहीं करती। खाना क्लास होती है उस टाइम, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो मैं दिन में वॉश करके फिर आराम से इन्हें सूखने देती हूँ, क्योंकि मैं ड्रायर भी अवॉइड ही करती हूँ। बहुत रेयरली, जब बिल्कुल ही ठंड होती है ना, जब बिल्कुल धूप नहीं होती, तब ड्रायर यूज़ करती हूँ। वैसे मैं ड्रायर वगैरह यूज़ कम करती हूँ अपने बालों में, तो उससे बाल अच्छे रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रायर यूज़ करने से बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं। नॉर्मली जो इनका टेक्स्चर है थोड़ा ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा मानना है। बाकी तो जैसे सबको ठीक लगता है, हमारे घर में सब यूज़ करते हैं। मेरे पास 2-3 ड्रायर, बट मैं यूज़ ही नहीं करती। लेने का सब चीज़ का शौक है, पर थोड़ी सी आलकस भी आता है, और मैं इनको ऐसे ही सूखने देती हूँ। अब मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं अपने बालों को वॉश करके ऐसे ही ड्राई होने देती हूँ, तो इससे क्या अपने आप जो नेचुरल ड्राई होते हैं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब ड्रायर होंगे थोड़े से, काफ़ी आधे घंटे मैंने इन्हें टॉवल में अच्छे से रखा है। अब इनको मैं सीरम लगा के कॉम कर लूँगी। तो यहाँ हमारे उस दिन जो आए थे सूट्स, आपने देखे होंगे मम्मी लाई थी मार्केट से वो वाले, अब ये जाएंगे सिलने के लिए। ये मेरे और दीदी का सेम आ गया है एक सूट और, तो ये वाले भी बनने दे रहे हैं सर्दियों के। गर्मियों के अकॉर्डिंग सर्दियों के कपड़े हमारे बहुत कम बनते हैं, मतलब या तो रेडीमेड कुर्ते मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ सर्दियों में लेने, बट अभी घर के भी बनवाते हैं और जो घर वाले सिलवाते हैं, जैसे कि ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, बनवा लिया सिलवा लिया, और यहाँ पर इतने अच्छे मतलब चलते नहीं है, वो एक दो सीज़न ही चल के ख़राब हो जाते हैं। गर्मियों के ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं, तो इसलिए, क्योंकि थोड़े तो ये सस्ते हैं, ये वाले तो 800 कुछ रेंज के ही हैं। मम्मी वाले थोड़े ठीक हैं, ये वाला भी सही है, तो ये मैंने इसे आने जाने में स्टॉल हूँ प्रॉपर, वैसे अच्छे लगते हैं इनमें थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह करा के। तो विंटर्स के कपड़े भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, समर्स के तो बड़े स्टाइलिश स्टाइलिश से बनवा लेते हैं घर, तो इसलिए भी मंगा लिए हैं। इनको भी इसमें डालेंगे और पता नहीं कितने दिन में ये बन के आएंगे। तो कड़ी बन गई थी सुबह,
और जब मैं इसको बना रही थी दिखा रही थी तो उसके बाद गाना रिकॉर्ड बीच में रह गई थी, पूरा नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ये छोटा बेटा किसका बेटा है, ये छोटा सा लड़का किसका बेटा है, ये छोटा बंदर किसका बेटा है, ये पराठा तो खाने के लिए बन रहा है जी। ये मंकी क्या खाएगा, कौन खाएगा ये मंका, ये मंका ये लड़का हर टाइम खाता है, बस खाना खाता है ना? चीकी बिल्ली है, डिंग बिल्ली आलू का परांठा खाना है, गप 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 गप। क्या शिमला मिर्च खानी है, क्या टमाटर खाना है, बोलो बोलो, कुछ नहीं खाना, मत खाओ। तो अब हो गई है इवनिंग चाय पाई पी ली मैंने, दिखाती हूँ दीदी क्या कर रही है। थोड़ी सी गर्म पानी मुक कर दे, क्या बना रही है, मेरी जिंदगी पुलाव और अमरूद खा खा के ही जा रही है। अब तो अच्छी पुलाव लग रही है तो हम खा कर, तू पुलाव की जगह बिरयानी बना, बिरयानी बना दू, इनकी बिरयानी बना दूंगी मैं बना दूंगी। रायता बना, और क्या बना सकती है, चावल में क्या वैरायटी है, जर्दा पुलाव बना, बिरयानी तो बन जाएगी, थोड़ा बहुत दही वही, वो बस गरम मसाले, गरम मसाले यूज करने हैं बस। वैसे मसालेदार हो जाए, रात में जम लोएंगे, दिन में बनाने को तो ना बना दो, उसमें ज्यादा टाइम ना लगेगा ना, यही में थोड़ा मटर जरूर डाल दियो, मटर भी रखी चाहिए, ये आदमी खाएगी पर मम्मी उसको लूट रहे। क्या कह रहे हो, मैं नहीं चार वाली मिर्च से पराठे बनाया, मिर्च वाला चार मन करा है, वो तो एक दो दिन में ही तैयार हो जा। पराठे छोड़ रखे हैं, पेट कम ना हो। कल तो मुझे मैंने दिनेश ने पहना था, जब कल तो मैं कह रहा था तुम पतली लग रही, कह रहा तुम पतली होना चाहती थी ना, तुम पतली हो गई। अच्छा वेलवेट सुबह ना पहना का पिंक पिंक से फूल है। अच्छा अभी फिटिंग से और मीटिंग कौन हो ना, क्या हो रहा है, मेरे ये चिपकली तुमने इसलिए बनाई, सम्राट ये उल्टा एस लिखते हैं, ये कुशन किसने बिगाड़े हैं, हाँ 108 108 का मतलब मतलब क्या रहे है? इसका मतलब क्या हुआ, चीकू चीकू बना मतलब ये बता, ये क्या करा तूने, ये क्यों बिगाड़ा, ये भी था शामिल साथ में, और वो किसने फाड़ी उसकी चैन, उस कुशन की, इसने तुम दोनों ने करा, ये किसने, ना मेरे पास क्यों आ रहा, किसने करा ये बता सच, वो लड़ रहा तेरे से, कह रहा मेरा झूठा नाम लगा रहा है, मैंने तो नहीं करा, हाँ ये फिर क्यों खाता, अगर तूने करा इसने करा होता तो, ये झूठ बोल रहा है, इसका झूठा नाम लगा रहा है तू, अरे मैं इसका झूठा, मैं इसको मारना
इसलिए मार रहा है कि तूने इसका सीक्रेट शेयर कर दिया है। हाँ। और इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट ये है कि ये जब पॉटी में बैठता है तो मोबाइल में बैठता है। कान्हा का क्या सीक्रेट है? कान्हा इस पे नहीं चढ़ना टेबल पे। क्या या की माफी तो अभी निकालूंगी मैं, रुक जा। किसने फाड़े हैं ये? झूठ बोल रहा है ना तू? इसने नहीं फाड़े ये? अच्छा देखो क्ले खाएगा, क्ले लेगा लेगा। डस्टबिन में डालिए इसको, अभी किसी काम की नहीं, डस्टबिन में डालिए उठाके से, देख फिर उठा खा जाएगा ये, उठा के डालिए डस्टबिन में। गुड़ है, गुड़ जैसा लग रहा, खाना उठा के। ऐसी गुड़ खाता होएगा तू? सही होगी, नहीं आई है, देख गिरे। हेलो डाइटिंग तेरे घाल दिए मोरे, जा खा ले। हे गाइस, तो आपने अभी पूरा दिन का व्लॉग देख लिया। अभी आपको जल्दी जल्दी नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे चैनल पे। अभी मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है, तो मैं नई नई रेसिपीज़ और ये सब शेयर करने वाली हूँ। खूब सारी मस्ती धमाल होने वाला है इस मंथ में। आगे बहुत कुछ मैंने प्लान किया हुआ है दिसंबर के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होने वाली, तब मायके जाएंगे, बर्थडे वर्डे आ रहे हैं, न्यू ईयर और सेलिब्रेशन ये सब होने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड अभी यहाँ पे, और आपसे एक चीज़ कहनी थी, मेरा FB पेज है उस राशि डेढ़ा, उसको भी आप लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे नहीं करा है तो वहाँ पे भी आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ लाइक फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बाय बाय।